हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। आई एम नीतू अलावत। क्लास 8 से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रही हैं। प्लस तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया कि तुम लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे हुए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ माय वीडियोस। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैंने क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट करी, जहाँ पर मैं तुम लोगों को NCERT के कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊँगी, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों ने मेरी क्लास 8 की वीडियोस को काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस दिया है, उसी तरीके से क्लास 9 की वीडियोस को भी देना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में और वीडियोस को लाइक करो। तो चलो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, हमारे नंबर सिस्टम। एक्चुअली नंबर सिस्टम में हम थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, एंड देन हम साथ ही साथ न्यू कंसेप्ट्स को क्या करेंगे, एड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है हमें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तुम लोगों को पता है 1 से लेके इन्फिनाइट नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स में। ऐसे ही अगर मैं होल नंबर्स कहूँ तो उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में। एंड नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो नेगेटिव साइड्स होते हैं, वहाँ पे भी इन्फिनाइट नंबर्स है, देन नेगेटिव नंबर्स हो गए, देन 0 हो गए, देन पॉजिटिव नंबर्स हो गए, एंड यहाँ पे एंडिंग में क्या है तुम्हारा, वो भी इन्फिनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, याद रखना नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से करते हैं या I से करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम Z से करते हैं इसको। अब आते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि तुम अगेन क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी गई है। हम किसको रैशनल नंबर कहेंगे कि कोई भी नंबर अगर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q विल बी नेवर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और P और Q हमेशा इंटीजर सेट्स को बिलोंग कर सकते हैं, लाइक बोथ कैन बी नेगेटिव, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, बोथ नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इंटीजर सेट्स से। तो इसलिए अगर हम किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसे फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए और वो दोनों के दोनों इंटीजर सेट्स को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सारे जितने भी तुम्हारे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, दे कैन ऑल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो दिस और दिस, मतलब सारे के सारे तुम्हारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम कहोगे, कोई बच्चा कहेगा कि -3 कैसे रैशनल नंबर है, तो तुम्हें पता है ये तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं, एंड इट इज़ अगेन P/Q फॉर्म। तुम्हें पता है -3 इज एन इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब याद रखना है जो रैशनल नंबर का कलेक्शन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास कितने रैशनल नंबर है, इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर चूज करो, सपोज मैं कह रही हूँ 1 एंड 2, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे रैशनल वाले, इन्फिनाइटली मैनी होंगे। कोई भी दो नंबर्स चूज कर लो, हमेशा उनके बीच में कितने होंगे, इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स होंगे। अब है जो नया कंसेप्ट तुम लोग पढ़ रहे हो, दैट इज़ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन हो गए, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, तो वो कौन से ग्रुप में काउंट करे जाएंगे, इरेशनल नंबर के ग्रुप में काउंट करे जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेशन में ये लिखा है कि ऐसा नंबर, एक नंबर है S जो कि इरेशनल है। क्यों, क्योंकि हम उसको, इट के नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे पैटर्न में अगर हम किसी नंबर को नहीं लिख पाते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एंड दिस इज़ द न्यू कंसेप्ट जो तुम लोग इस 9th क्लास में पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर में। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जितने भी स्क्वायर रूट जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि रूट फोर इरेशनल नहीं है, रूट फोर रैशनल है, कैसे, तो रूट फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर। बट अगर मैं ले लूँ रूट फाइव को, मैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5, तो इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 15, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। जब हम फर्दर और कंसेप्ट पढ़ेंगे, तुम्हें और डिटेल में पता चलेगा कि क्यों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, और एक है पाई, ठीक है, और ऐसे भी नंबर्स, तो ये हम फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक पूरी एक्सरसाइज इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे किस ग्रुप में आएंगे, इरेशनल ग्रुप में आएंगे। अब है रियल नंबर्स किसको कहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेकअप वॉट वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इफ़ आई टेक अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आई टेक अ ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड इफ आई कंबाइन देम, तो टोटल कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। और रियल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से करते हैं। देयरफॉर अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, क्योंकि उसमें दोनों आते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। द गिवन रियल नंबर इज, जो भी गिवन रियल नंबर है इट बिलोंग्स टू आइदर रैशनल ग्रुप और इरेशनल ग्रुप, तो ये आइडेंटिफिकेशन तुम लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम चैप्टर के जैसे जैसे हम चैप्टर की डेप्थ में जाते जाएंगे द कंसेप्ट्स विल बी क्लियर एंड डेफिनेटली यू विल बी able to differentiate between rational and irrational numbers, okay? तो यहाँ पर तुम्हें पूरा real number system दिख रहा है, ठीक है। सबसे smallest जो rational number के group में आता है वो natural numbers हैं, then whole numbers, then integers and then rational, ठीक है। और irrational irrational mix-up नहीं हो सकते, they are two different types of numbers, तो इसलिए irrational का group अलग है और उसमें उन्होंने examples दिए हैं। तो याद रखना है जितने भी non-perfect square numbers हैं and कुछ different types of numbers हैं वो भी तुम्हारे किस में आते हैं, irrationals में आते हैं, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तुम लोगों ने क्लास 8 में रैशनल नंबर की नंबर लाइन पढ़ी है, तो डेफिनेटली हम क्लास 9th में रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे, हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, तो अभी बस तुम्हें ये याद रखना है एवरी रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उनके पास यूनिक पॉइंट है, ठीक है, यूनिक रियल नंबर्स के पास यूनिक पॉइंट होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा उनका। दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। तो ऐसी नंबर लाइन को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर लाइन, जिसमें रैशनल नंबर्स के भी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और इरेशनल्स के भी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। तो कैसे हम इरेशनल के बनाना सीखेंगे ये फर्दर सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं रिमार्क्स पे, जैसे कि ऑलरेडी हम पहला रिमार्क पढ़ चुके हैं, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ने दो इरेशनल नंबर्स तुम्हें दे दिए तो डेफिनेटली देर आर इन्फिनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल वन, इन्होंने कहा है मतलब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, गिव रीजन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली ये क्या है, फॉल्स। क्यों, तो होल नंबर में एक ऐसा नंबर है ज़ीरो जो कि डेफिनेटली नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करता है, तो हाउ कैन एवरी होल नंबर बी अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यस मतलब ट्रू। क्यों, तो तुम्हें पता है पी बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और जैसे कि तुम्हें पता है इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हम उनके नीचे वन लगा देंगे, ज़ीरो होता है उसके बीच में वन लगा देंगे, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके नीचे भी वन लगा देंगे, तो एवरी मतलब ईच इंटीजर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, एंड एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों, तो हमारे पास ऐसा नंबर है 5/3 विच इज़ अ रैशनल नंबर, बट ये इंटीजर तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। इज ज़ीरो रैशनल नंबर, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, हाउ कैन इट बी रैशनल नंबर, तो ज़ीरो के नीचे हम वन लगा देंगे, इट इज़ डेफिनेटली पी बाई क्यू फॉर्म, एंड ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, वन इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, एंड बोथ मतलब डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं, देयरफॉर इट इज़ एन रैशनल नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन टू, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ऑब्वियसली ये तुम क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो रैशनल नंबर्स में, तो हमें क्या करना है, 3 और 4 को लिखना है। अब इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, एंड जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ऊपर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो द नंबर्स आर 30/10 एंड 40/10। सो नाउ यू कैन चूज़ एनी सिक्स नंबर्स, तो हम लिख देंगे 31/10,
32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, एंड 35 by 10 एंड 36 by 10। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स इन्होंने दे रखे हैं, तो हमें ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स लाई करने चाहिए। तो अगर हम इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, 30 by 50 एंड 40 by 50। अगेन यू कैन चूज एनी 5 नंबर्स, तो 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50 एंड 35 by 50। ठीक है, तो दिस आर द 5 रैशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन दिस नंबर्स। अब क्वेश्चन फोर्थ में इन्होंने कहा है, अगेन ट्रू एंड फॉल्स बताना है विद रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ऑब्वियसली ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो डेफिनेटली सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर में इंक्लूड करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि जो तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स हैं तो डेफिनेटली वो होल नंबर्स में नहीं इंक्लूड होते हैं, तो एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, अगेन इट इज़ फॉल्स, डेफिनेटली होल नंबर्स तुम्हारे 0, 1, 2, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, और रैशनल अगेन अगर हम 5 by 3 ले ले या कोई नेगेटिव नंबर ले ले हम, तो दिस ये होल नंबर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इट इज़ फॉल्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत ही सिंपल थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कंसेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए थे, तो अब हम इनके ऊपर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेट वेदर अगेन ट्रू ऑफ फॉल्स है विद जस्टिफिकेशन। अब ये कह रहे हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर, तो ये कह रहे हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो है। फिर ये कह रहे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, जबकि सारे एम नेचुरल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली नहीं। स्पेशली अगर मैं एग्जांपल दूँ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव अगर मैं कोई भी नंबर लाइन पे से नेगेटिव उठाऊँ स्क्वायर रूट, तो वो डेफिनेटली तुम्हारा नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, तो इट इज़ फॉल्स। एंड एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी तो रियल नंबर हैं, तो दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो हमारा हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, आइदर वो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। ठीक, अब इन्होंने कहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मैंने तुम लोगों को इरेशनल की डेफिनेशन समझाते हुए क्लियरली बताया था कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ना, सिर्फ वो इरेशनल्स हैं, पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जैसे कि रूट 81 हो गया, रूट 100 हो गया, रूट 225 हो गया, इनके सबके नंबर अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो सारे वो नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे 9 विच इज़ अ रैशनल नंबर, 100 जो कि 10 उसका स्क्वायर रूट आएगा, 225 का 15 होगा। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 by 9 जिसका तुम अगर स्क्वायर रूट्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 by 3 आ जाएगा, विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं हम नंबर लाइन पे, ठीक है, तो डेफिनेटली हम इरेशनल नंबर्स की नंबर लाइन पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो इरेशनल नंबर है वो है रूट टू, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे तुम्हें याद रखना है कि रूट टू किसका है, मतलब अगर हम रूट टू टू को स्प्लिट अप करें तो 1+1 होता है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक मार्क करेंगे। ठीक है, एंड देन हम यहीं पे जो जहाँ पे तुम्हारा 1 लोकेटेड है ना, वहीं पे हम एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एंड देन हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पे तुम लोग कंपास का टिप रखोगे, यहाँ पे पेंसिल की टिप होगी, ये नंबर लाइन तुम्हारी विद द हेल्प ऑफ कंपास बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो पेंसिल की टिप होगी उसको नीचे लाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे भी ये नंबर लाइन को टच करेंगे डेफिनेटली वो पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, रूट टू होगा। ठीक है, तो ये रूट टू का नंबर लाइन है। ऐसे ही अगर हम रूट थ्री की भी नंबर लाइन बात करें, रूट टू के बाद में रूट थ्री अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसमें क्या है कि पहले तुम्हें डेफिनेटली रूट टू बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर रूट थ्री को तुम स्प्लिट करोगे 1 के टर्म्स में तो वो क्या आएगा, 2+1 आएगा, कि 1 तो कंपलसरी होगा, उसके रिमेनिंग में और क्या ऐड करोगे तो 3 आएगा, तो 2 होगा, तो इसका मतलब तुम्हें, और 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब रूट टू बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होगा कि हम 0 से 1 मार्क कर लेंगे,
फिर वन पे हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्केल से हम 0 से इस वन के टिप को ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम कंपास की टिप यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की टिप यहाँ पे रखेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, जहाँ पे वो टच करेगा डेफिनेटली ये क्या है तुम्हारा रूट टू। अब हम क्या करेंगे यहाँ, मतलब ये रूट टू की नंबर लाइन बन चुकी है। अब ये स्पायरल वाला सिखा रहे हैं, मैं विदाउट स्पायरल वाला सिखाऊंगी जो कि थोड़ा और ईजी है। इसमें इन्होंने क्या किया है एनसीईआरटी वालों ने, यहाँ पे अगेन उन्होंने 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे तुम लोगों ने कंपास की टिप रख दी, यहाँ पे पेंसिल की टिप रख दी, और उस कंपास मतलब पेंसिल को हम नीचे रोटेट करते हुए ऐसे ले आए, और जहाँ पे भी ये नंबर लाइन को टच करेगा तो डेफिनेटली वो क्या है रूट 3 है। तो ये स्पायरल वाली बन गई। अगर किसी को रूट मतलब 4 रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ये रूट 3 हो गया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, स्केल से ज्वाइन कर देंगे हम, यहाँ पे कंपास की टिप होगी, यहाँ पे पेंसिल की टिप होगी, और डेफिनेटली वो कहाँ आएगा तुम्हारा 2 पे आएगा। तो हम जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करेंगे, परफेक्ट तो डायरेक्टली हमें पता ही यहीं पर 2 आएगा। तो ये स्पायरल वाला हो गया, मैं विदाउट स्पायरल वाला सिखाऊंगी जो कि और ईजी है। तो जैसे कि अगर मुझे रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो तुम लोगों को पता है रूट 5 क्या होता है, अगर मैं विद 1 उसको स्प्लिट करूँ प्लस 1 के साथ तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे नंबर लाइन लूँगी। अगर तुम 1 सेंटीमीटर का गैप लेके अगर नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो बहुत छोटी बनेगी, तो इसलिए हमें 2 सेंटीमीटर का गैप लेना है। जैसे मैं स्केल पे क्या करूँगी 2 की टेबल को मार्क कर लूँगी, जैसे ये हो गया, देन यहाँ पे मतलब ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8 है, ठीक है। और अब लिखते हुए मैं इनको क्या लिखूँगी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर मतलब लाइक 2 सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है ये, तो रूट 4 तो मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो मैं 2 पे क्या करूँगी सिंपली 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी। क्यों? क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर एक्चुअली में क्या है 2 सेंटीमीटर इसके लिए। फिर मैं यहाँ स्केल से पेंसिल से ज्वाइन कर दूँगी 0 और 2 को, फिर यहाँ पे मैं कंपास की टिप रखूँगी, यहाँ पे पेंसिल की रखूँगी, और उसको ऐसे रोटेट करके मैं क्या करूँगी नीचे ले आऊँगी, जहाँ पे भी ये नंबर लाइन को टच करेगा ये मेरा क्या होगा रूट 5 होगा। अब अगर तुम्हें कोई कहता है रूट 6 बनाओ तो सिंपली रूट 5 पे अगेन 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, 0 से उसको कनेक्ट कर दो, अगेन यहाँ पे कंपास की टिप रखो, यहाँ पे पेंसिल की टिप रखो, इसको नीचे ले आओ, जहाँ पे भी ये नंबर लाइन को टच करेगा ये रूट 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, 0 से कनेक्ट करो और इसको नीचे की तरफ ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 7 बन जाएगा, ऐसे ही रूट 8 होगा। सिंपली तुम्हें याद रखना है जो हमारा रूट 5 है, रूट 10 है, देन रूट हमारा 17 है, ये डायरेक्ट बनेंगे। कैसे? तो हमें इनकी स्प्लिटिंग करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 का मैं लिखूं तो 1 प्लस 9, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। रूट 17 को मैं लिखूं 1 प्लस 16, तो 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मुझे कोई रूट 17 बनाने के लिए कहेगा तो मैं सीधा जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ से इसको मार्क कर दूँगी, यहाँ पे मैं कंपास की टिप रख के पेंसिल यहाँ रख के नीचे उसको ले आऊँगी तो डेफिनेटली ये मेरा क्या होगा रूट 17 होगा। तो स्पायरल से ये ईजी है, पर कुछ बच्चों को स्पायरल भी सही लगती है, तो वो चॉइस तुम्हारी है कि स्पायरल से ड्रॉ करना है या इंडिविजुअली लाइक ऐसे वन आफ्टर वन बनाना है। तो इससे पहले मैं कुछ तुम लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर तुम्हें रूट 3 बनाना है तो उसके लिए तुम्हें पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये सारे तुम्हारे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। पहले रूट 5 बनेगा, देन रूट 6, देन रूट 7, देन रूट 8 बनेगा, फिर अगेन रूट 10 मैंने बताया ना। और जैसे जो डायरेक्ट बनेंगे वो कौन से हैं तुम्हारे, रूट 5, रूट 10, साइज का 1.2 का क्वेश्चन 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे अगेन 2-2 का गैप लेंगे, ठीक है। तो 2-2 का गैप लेके हम उसको मार्क करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। अब मुझे पता है रूट 5 का स्प्लिट अप क्या होगा, 1 प्लस 4 होगा, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 पे सीधा 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो 0 से और यहाँ पे स्केल से कनेक्ट कर दो, कंपास की टिप यहाँ रखनी है, पेंसिल की टिप यहाँ रखनी है और उसको नीचे की तरफ ले आना है नंबर लाइन की तरफ, और जहाँ वो टच करेगी वो तुम्हारा क्या होगा रूट 5 होगा। तो ये तुम्हारा क्या है नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
तो हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कवर कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी एंड देन हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो डेफिनेटली इस चैनल को शेयर करो। एक चीज़ याद रखना, क्लास 9th इज डिफरेंट फ्रॉम योर क्लास 8, सिमिलर नहीं है, इतनी ईजी नहीं है, बहुत सारा हर्डल्स आएगा, उसको तुम्हें पार करना पड़ेगा। और रिमेंबर, मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा मैथ्स बेटर होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।